जौनपुर लोकसभा सीट से बीएसपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करके यहां की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बीएसपी ने कल जौनपुर के पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। धनंजय की पत्नी के नाम के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद उनके कट्टर समर्थक रहे अनीस खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। धनंजय के समर्थक की हत्या से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। कयास लगाया जा रहा था कि इस हत्याकांड के पीछे कोई न कोई राजनीतिक वजह जरूर होगी। हालांकि पुलिस ने हत्याकांड के कुछ ही घंटों के बाद यह स्पष्ट कर दिया कि अनीस की हत्या के पीछे कोई राजनीतिक वजह नहीं है, बल्कि उनका आपसी विवाद था जिसको लेकर उनके जानने वालों ने ही उनकी हत्या की। फिलहाल पुलिस नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी धरपकड़ में जुटी हुई है। आपको बता दें कि जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण और रंगदारी के मामले में दोषी पाए जाने के बाद 7 साल की सजा होने से इस समय जेल में बंद हैं। धनंजय की सजा के ठीक अगले दिन उनके बेहद करीबी रहे बीजेपी नेता प्रमोद यादव की भी हत्या कर दी गई थी। प्रमोद यादव मलनी से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, किन्हीं कारणों से उनका नामांकन निरस्त हो गया था। उस समय धनंजय की दूसरी पत्नी मलनी से चुनाव लड़ रही थी। प्रमोद यादव की हत्या के बाद इस हत्याकांड को उस चुनावी मोड़ से जोड़ के देखा जा रहा था। लोग इस पर राजनीति करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जौनपुर पुलिस ने प्रमोद हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि प्रमोद की हत्या के पीछे कोई और वजह नहीं बल्कि उनका आपसी विवाद था। फिलहाल धनंजय के जेल जाने और उनकी पत्नी के टिकट मिलने के ठीक बाद दोनों हत्या से जौनपुर की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। श्रीकला सिंह आज अनीस खान के घर गई और उनके परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि अनीस उनके परिवार के सदस्य जैसे थे, कल तक अनीस उनके साथ थे लेकिन आज नहीं हैं। भावुक होते हुए श्रीकला बोली कि अब तक अनीस उनके साथ थे, अब श्रीकला खुद और उनके पति धनंजय सिंह अनीस के पूरे परिवार के साथ रहेंगे। उन्होंने जौनपुर पुलिस से मांग की है कि इस पूरे हत्याकांड की निष्पक्ष जाँच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फिलहाल अब देखना होगा कि अनीस हत्याकांड के हत्यारे कब गिरफ्तार होते हैं और यहाँ के लोकसभा चुनाव में धनंजय के इन दोनों करीबियों की हत्या से क्या असर पड़ता है। अजय पांडे, TV9 जौनपुर।